हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो में जो क्रिक बुज का फैंसी हैंडबुक है उसके रिव्यू के बारे में बताएंगे कि क्या यह आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या क्या फैकल्टीज मिलती है और उनका बेस क्या होता है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिक बुज एक ऐसा ऐप है जहां से आप मैच का स्कोर कार्ड या अदर इंफॉर्मेशन चेकआउट कर पाते हैं। इसी का एक फीचर है फैंसी हैंडबुक, जिसके लिए आपको क्रिक बुज पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उसकी वैलिडिटी एक साल की होती है। उसमें आईपीएल प्लस जो भी इंडिया के मैच होने वाले होते हैं, चाहे वो आपका T20 हो, वनडे इंटरनेशनल हो या टेस्ट मैच हो, उनका एनालिसिस वहां पे दिया जाता है। उस एनालिसिस में आपका जिस ग्राउंड पे मैच होने वाला है उस ग्राउंड का डिटेल, पिच नेम, पिच डायमेंशन और पिच रिपोर्ट के बारे में बताई जाती है। साथ में मैचअप के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि उस ग्राउंड पे पेसर्स वर्सेज स्पिनर्स का क्या एनालिसिस है। साथ ही आपको हैप्पी हंटर्स प्लेयर के बारे में बताया जाता है, यानी ऐसे प्लेयर जो आपका दिन अच्छे से बना सकते हैं। फिर बताया जाता है कि आपका ऑफ फील्ड पिक प्लेयर्स, यानी लकी प्लेयर ऐसे जो आपको आपकी टीम के लिए या आपके फैंसी एप के किसी भी टीम के लिए एक लकी प्लेयर साबित हो सकते हैं। फिर होता है आपका पर्पल पैच प्लेयर, ऐसे प्लेयर जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर आपका होता है मस्ट हैव प्लेयर्स, यानी आपके टीम में एटलीस्ट ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके बारे में इनके द्वारा बताया जाता है। फिर होता है आपका डिफरेंशियल पिक्स। डिफरेंशियल पिक ऐसे प्लेयर को लोग चुनते हैं जिनका रिकॉर्ड उस ग्राउंड पर अच्छा हो या उस टीम के खिलाफ अच्छा हो जिन पर मैच होने वाला होता है, और ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो हटके होते हैं, ठीक है, जिनके चुनने की इफिशेंसी फैंसी पे कम होती है। फिर आपको बताया जाता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन कौन से प्लेयर परफेक्ट होंगे, साथ में उनका रिकॉर्ड भी दिया जाता है उस टीम के खिलाफ, साथ ही उस मैच पर उनका रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। साथ ही जो भी इसमें प्लेयर शामिल होते हैं उनका लास्ट 10 रिकॉर्ड भी दिया जाता है, और जिस ग्राउंड पर मैच होने वाला है उसके भी लास्ट 10 रिकॉर्ड इस सब्सक्रिप्शन में आपको बताया जाता है, ठीक है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि जो पिच का कंडीशन है उसके अनुसार कौन कौन सा प्लेयर आपके लिए सही हो सकते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इन सब का आधार बना के ही आपको एक 11 प्लेयर की एक एक्सपर्ट वाली टीम प्रोवाइड की जाती है, जिनका आधार होता है उस ग्राउंड पे जिस ग्राउंड पर मैच होने वाला है उस ग्राउंड पे उस प्लेयर का परफॉर्मेंस, जिस मैच के खिलाफ होने वाला है उस टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन, और रिसेंट में जो उनका परफॉर्मेंस जैसा वो दे रहे हैं वही इसका मेन बेस होता है इनका अपना टीम बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्सपर्ट टीम आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपको खुद ही चुनना होगा किसी भी फैंसी ऐप में अगर आप ये टीम लगाते हैं। तो यही सारी फैकल्टीज आपको क्रिक बुज का जो सब्सक्रिप्शन है फैंसी हैंड बुक का वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा कि क्या एक आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे क्रिक बुज का ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो अदर इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपकी पिच रिपोर्ट हो या प्लेयर एनालिसिस हो या प्लेयर रिकॉर्ड हो, आप किसी और तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये आपका चॉइस है कि आप इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे या नहीं लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और आप अपना भी रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाकई यह फैंसी हैंडबुक सही है कि नहीं है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि वो भी जान पाए कि आखिर फैंसी हैंडबुक में क्या क्या फैकल्टीज मिलती है, और इस आधार पर वो
अपना डिसीजन ले पाए कि वाकई उन्हें यह सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।